हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गायत्री किचन में। आज हम आपको मटर का पराठा बनाना सिखाएंगे, तो आइए जाने इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम फ्रेश मटर, 7-8 लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च जिसे हमने अच्छी तरीके से घिस लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1/4 गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 चम्मच सरसों का तेल, 2-3 चुटकी हींग और आटा। जैसा हम रोटी या पराठा बनाते वक्त आटे को गूंथते हैं, उसी तरीके से हम आटा गूंथ लेंगे। मटर का पराठा बनाने के लिए मटर को एक बर्तन में उबाल लें। इसमें हमें 1 चम्मच नमक डालना है। इसे उबलने में करीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, जब तक मटर अच्छी तरीके से पक ना जाए। देखिए, हम उबले हुए मटर को इस तरीके से पीस लेंगे। पीसते वक्त हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पेस्ट बहुत गीला हो जाएगा और जब हम पराठा बनाएंगे तो ये पेस्ट पराठे से बाहर निकलने लगेगा। अब हम मटर की स्टफिंग को ऊपर से बघार लगाएंगे। वैसे तो मटर की स्टफिंग कई तरीके से बनता है, पर जो तरीका हम बता रहे हैं उसमें तेल का यूज बहुत कम होता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हम पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 3-4 चुटकी हींग डालेंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे, हमारा जीरा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का और मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा चला लें। इसमें गरम मसाला डालेंगे और चला लेंगे। हमारा छौंक तैयार हो गया है, अब इसे हम पेस्ट में मिला दें। इसमें नमक हमने पहले ही मटर को उबालते वक्त डाल दिया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमारा मटर का स्टफिंग तैयार हो गया है और अब हम पराठा बनाएंगे। हमने आटे से लोई ले लिया है, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे थोड़ा बेल लेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसे अच्छे से बंद कर लें। इसे दोनों तरफ से तेल लगा के पराठे की तरह सेक लें। देखिए, हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हरे मटर का पराठा तैयार हो गया है। आप इसे दही, अचार, सॉस के साथ खा सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और लंच में भी लेके जा सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।